एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, राइट? ये आई थिंक सभी को पता है, हमने क्लास में भी देखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14. सो व्हेन यू रिप्रेजेंट दिस 14 एटॉमिक मास इन द यूनिट ऑफ AMU, 14 AMU, इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन एटम. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, वन मोल एटम. हम इसको एमयू में लिख रहे हैं, एक एटम का मास. हम ग्राम्स में लिख रहे हैं, एक मोल एटम का मास. इज दैट ओके? यस सर. चलो, तो एक एटम एक मोल एटम, इतना हमने समझा था लास्ट क्लास में. और विद द सेम नंबर बट डिफरेंट यूनिट, हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था, 1 AMU इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर माइनस 44 ग्राम्स. अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट है who is attending first lecture of chemistry today और who have missed one, अभी आज थर्ड लेक्चर है chemistry का, जिसने एक लेक्चर या दोनों लेक्चर मिस किए हैं, रेज योर हैंड. जी सर, हैंड रेज करो, मुझे एग्जैक्टली पता लगेगा कितने बच्चे हैं. अर्पिता निकम, मुझे क्यों ध्यान है अर्पिता निकम, तुमने क्लास अटेंड किए मेरी नहीं किए? यस सर. तुमने मेरी पहले कोई क्लास अटेंड नहीं किया अर्पिता? नहीं सर, जो लास्ट संडे हुआ था ना वो क्लास नहीं किया सिर्फ, क्योंकि वो रेजोनेंट का एग्जाम था ना. ओके, क्या तुमने अर्पिता लेक्चर देख लिया था, वीडियो लेक्चर? नहीं सर. ठीक है, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था. इफ anyone of you is missing some classes, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है, वीडियो लेक्चर्स शेयर किया जाता है ग्रुप पर, उसे YouTube वीडियो लिंक को देखो, वही लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर तक एटलीस्ट अपडेट हो जाओ. होता क्या है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू लास्ट लेक्चर, जो भी हम कर रहे हैं आगे वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड होता है. यदि वो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फिर हमें मतलब जो आज का लेक्चर है वो नहीं समझ में आए. तो जो भी बच्चे जिस भी रीजन से मिस हो रहे हो, ठीक है. और तनिष्क, तुम्हारा क्या फर्स्ट डे है? यस सर. तो जिसका फर्स्ट डे है, अच्छा, जिन्होंने मान लो ज्वाइन अभी किया है, जस्ट बेसिक्स हो रहा है, दो दो लेक्चर सारे सब्जेक्ट के हुए हैं, इस वीक सैटरडे संडे को थर्ड लेक्चर है, तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है एक्सेप्ट बायो लेक्चर्स, क्योंकि उसमें लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेक्चर नोट शेयर कर दिए जाते हैं. तो यदि किसी को रिक्वायरमेंट है कि ये सब्जेक्ट का ये लेक्चर हमारा मिस हुआ है, यू कैन मैसेज, यू कैन व्हाट्सएप टू रिस्पेक्टिव टीचर्स, तीनों टीचर चारों टीचर्स के तुम्हारे पास नंबर है, जिस नंबर से मैंने लिंक शेयर की वो मेरा नंबर है, तुम हमें पर्सनल मैसेज डाल दो, सर ये लेक्चर्स चाहिए, तो मैं तुम्हें शेयर कर दूं. ओके सर, तो ट्राई करो पहले तक सारे लेक्चर्स कवर अप कर लो, ताकि चीजें हमें हम रेगुलर फ्लो में बन जाए. और टिल योर 10th बोर्ड एग्जाम्स, लाइक वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन मोड, इट मे बी पॉसिबल आफ्टर 1 वीक और मेबी 2 वीक विल गो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड, हम दोनों मोड में चले जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला, मतलब जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ जाए, जो बच्चे 10th बोर्ड तक ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं वो ऑनलाइन अटेंड करें. डेफिनेटली सिचुएशन जैसे जा रही है नॉर्मल हो रही है सिचुएशन, आफ्टर योर 10th बोर्ड एग्जाम वी विल डेफिनेटली हैव कंप्लीट ऑफलाइन क्लासेस, बट जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब तक हम जितना हम कुछ लूज ना करें, हमारा लॉस ज्यादा ना हो, यही चीजों को दिमाग में रखते अर्ली बैच स्टार्ट किया गया है. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जेईई नीट, तो ऑलरेडी इतना ज्यादा सिलेबस होता है, इतना कॉम्पिटिशन होता है, तो कॉम्पिटिशन में हम कहीं पीछे ना रहें. ओके, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, राइट? इज देयर एनी डाउट फ्रॉम लास्ट लेक्चर, एनी डाउट इन थ्योरी पार्ट? मेन हेडिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMMD कहा जाता है.
कॉपी करो जल्दी से। कॉपी कर लिया है क्या? यस सर। चलो सुनना। मॉलिक्यूलर मास, इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एग्जांपल CO2। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 2, 44। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, दो ऑक्सीजन एटम है तो दोनों का लेना है। ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये तो उसकी बेसिक डेफिनेशन होगी। ग्राम मॉलिक्यूलर मास
when molecular mass expressed in grams, then it is called gram molecular mass. जैसे ग्राम एटॉमिक मास एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, इन द सेम मैनर ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, इट रिप्रेजेंट मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। अच्छा, हमने वहां पे कुछ ऐसा लिखा था क्या, वन ग्राम एटम इज इक्वल टू वन मोल एटम, एक साथ आते हैं, एक मोल को रिप्रेजेंट कर, इज दैट ओके? एक्सक्यूज मी सर, सो इफ वी आर सेइंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इट मींस 44, जस्ट मिनट आई विल राइट इट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मींस 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल टुगेदर, ग्राम मॉलिक्यूल टुगेदर रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। सो इफ वी आर सेइंग लेट्स से 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दिस मींस इट दैट मींस 44 ग्राम ऑफ CO2, if we are saying 2 gram molecule of CO2 that means 88 gram of CO2, clear? If we are saying 1 gram of CO2 molecule then it is only 1 gram, बीच में ऑफ आ गया ग्राम और मॉलिक्यूल के बीच में तो फिर वो 1 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा, बट यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है, एक साथ लिखा गया है दैट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, इज दैट ओके नाउ? यस सर। क्लियर है अभी इतना? यस सर। चलो हम CO2 का एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, NH3 अमोनिया मॉलिक्यूलर मास बता दो इसका कितना होगा, राश्री ओम इज दैट ओके? यस सर। अब मुझे ये बताओ, हमने लिखा 17 AMU ऑफ NH3, हमने लिखा 17 ग्राम ऑफ NH3, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमने क्या ऐसा कुछ देखा था 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब एक एटम नाइट्रोजन, सॉरी 14 AMU ऑफ नाइट्रोजन मींस 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, व्हेन वी रिप्रेजेंट AMU तो वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूल है 1 नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम, दोनों का मास AMU में लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इज दैट ओके? और ये ग्राम में लिख दिया है, ग्राम रिप्रेजेंट करता है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, कोई डाउट इसमें? Excuse me, sir. Yes. Sir, the 17 gram of NH3 will we can say that's 17 gram. हाँ, मतलब 17 gram of NH3 एक ही बात हो गई, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल साथ में नहीं लिखा है ना, तो 17 ग्राम ऑफ NH3 मतलब हमने मॉलिक्यूलर मास जो 17 है, यदि मॉलिक्यूलर मास को AMU में रिप्रेजेंट किया तो वो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, एंड इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट 17 in grams unit that represent mass of one mole molecule, clear? अब वो ये वाला concept complete हो गया, explain कर दिया gram molecule together, अब gram molecule together नहीं, gram अलग molecule अलग, is it okay? Yes sir. कॉपी किया है सभी ने?
कॉपी करो, एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं। चलो सुनो, मोल पहले भी शायद हमने थोड़ा डिफाइन किया था, फिर से कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं डिटेल में। वन मोल इज अ यूनिट टू क्वांटिफाई समथिंग, मतलब जो हम मोल बोल रहे हैं, जैसे डजन होता है, वन डजन, टू डजन, डजन मींस 12, सिमिलरली मोल मींस, मोल इज अ यूनिट टू क्वांटिफाई समथिंग। इफ वी से वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, वन मोल सब्सटेंस मींस दिस मेनी पार्टिकल्स, 6.0 to 10 to the power 23 particles. हम मोल किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। We can define mole for protons. We can define one mole of electron. We can define one mole of neutron. So one mole of atom, one mole of marker, one mole of student, इतने students. So one mole can be defined for anything. Yeah? इसे Avogadro's number भी कहा जाता है, n से भी denote किया जाता है। अब ये तो चलो इतना particle हो गया। साइंटिफिक जो डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है आईयूपीएससी ने जो एक्सेप्ट किया है, दैट इज वन मोल इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। सो कार्बन 12 सैंपल में कितने कार्बन एटम्स है, दैट इज वन मोल। सो दिस इज साइंटिफिक डेफिनेशन एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएससी। सो 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन एटम्स है वो होगा, अच्छा कार्बन के दो आइसोटोप C12, C14, हम C12 isotopes की बात कर रहे हैं। हमने एक वेसल में कार्बन रखा और 12 ग्राम कार्बन रखा, उसमें से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे, एग्जैक्टली कितने पार्टिकल्स। एक और वे इसका डिफाइन करने का, वन मोल इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन ग्राम ऑफ प्रोटॉन, एक ग्राम प्रोटॉन्स में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे देयर इज वन मोल। इसको मैं चलो कैलकुलेट भी करता हूँ, ये भी प्रूव करता हूँ क्या ये इतना ही नंबर आएगा। चलो मुझे एक प्रोटॉन का मास बताओ, करण देशमुख, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन लास्ट लेक्चर और मे बी लास्ट टू लास्ट लेक्चर। करण कैन यू हियर मी, अनम्यूट करो एटलीस्ट करण, चाहे आंसर आए ना आए। करण किरण
नहीं सॉरी किरण नहीं, करीना, करीना इज देयर सर, क्या है? हाँ बोलो सर. 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. और ग्राम्स में बात करेंगे तो माइनस 24 ग्राम्स. ठीक है, एक प्रोटॉन का इतना मास है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर इन 1 ग्राम. यूनिट मीन इज व्हाट, वन प्रोटॉन हैज दिस मास, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर इन 1 ग्राम. इसको डिवाइड कर दो, इसे हम एमपी भी लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन. क्लियर? सो 1 डिवाइडेड बाय एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन्स डिवाइड कर दिया, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसमें, 1 ग्राम में. यूनिटरी मेथड, 1 प्रोटॉन दिस मास, इसको डिवाइड किया एमपी से, 1 बाय एमपी, इतने प्रोटॉन्स इन 1 ग्राम. तो इस पूरे को डिवाइड कर दिया. अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं इसको. क्लियर? और 1 ग्राम में जितने प्रोटॉन्स है वो होता है एवोगैड्रोस नंबर. क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पर लिखता हूं 1 बाय एमपी इज 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर, ये हमें चाहिए. क्लियर? मुझे प्रूव भी करना है. चलो एक काम करो, 1 by MP, MP का ये वैल्यू रखो और कैलकुलेट करके देखो क्या वो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है कैलकुलेशन के बाद. जस्ट पुट मास ऑफ प्रोटॉन दिस ओवर हियर एंड क्रॉस चेक, आर यू गेटिंग एवोगैड्रोस नंबर इक्वल टू दिस? करो. एक्सक्यूज मी सर. यस सर, एक्चुअली आई हैव बीन डिस्कनेक्टेड व्हेन यू वर आस्किंग द मास ऑफ वन प्रोटॉन. विल यू प्लीज टेल मी टू एक्सप्लेन mass of one proton that we have seen in last lecture or maybe last to last lecture, 1.67 10 to the power minus 24 grams. Now question is how many protons will be there in 1 gram. So mass of protons se divide kar diya, 1 by mass of protons will be there in 1 gram. Unitary method, ek proton ka itna mass, to 1 gram mein kitne protons, us mass ko divide kar diya, to itne protons hone chahiye. Aur main bol raha hu ye definition hai, par bol rahi hu इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर 1 बाय एमपी आना चाहिए. तो मैंने इनसे क्वेश्चन ये है, यहां पे एमपी को रख के तुम्हें प्रूव करना है कि ये इतना नंबर आ रहा है, 1 बाय एमपी शुड बी दिस नंबर. गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर. सर 0.598 इनटू 10 रेस टू 24. ठीक है, देखते हैं. So, by the way, तुम्हें यदि पता हो 1.67 is the value of pi by 3. ये pi by 3 होता है. Clear? So, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5. 10 to the power minus 24 का plus 24 हो जाएगा, numerator से denominator में जाएगा. So, ये हो गया 0.6. 10 to the power plus 24, which is roughly 6 into 10 to the power 20. हमारा एवोगैड्रोस नंबर था 6.02. हमने इसमें एप्रोक्सीमेशन लिया है, इसलिए थोड़ा बहुत एप्रोक्सीमेटेड आंसर आ गया. ऑलमोस्ट 6.02, ऑलमोस्ट सेम. इज इट ओके? यस सर.
1.67 is exactly 5/3. 0.67 two third plus 1, 2/3 plus 1 is 5/3. Archita, Arpita, Aryan, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Chale, hum aage. ये दिख रहा है ना यहां तक क्या कुछ कट हो रहा है? चलो देखना, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स काफी यूजफुल हेडिंग है। यहां से बेसिकली थोड़ा सा हम ये बोल रहे हैं कि हम 10th प्लस 11th लेवल पे जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें टेंथ में भी पड़ी थी जो मुझे बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करना जरूरी भी था, काफी बार हमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी दे जाता है, इसलिए वो क्लियरिटी होना जरूरी है। तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स फंडामेंटल उसे फिर हायर लेवल तक लेके जाना है। व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, फर्स्ट केस नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवरेज मोल्स, इतने पार्टिकल है तो एक मोल, 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे तो कितने मोल्स होंगे, डबल। तो एक डजन में 12 बनाना, सो हाउ मेनी बनानास, हाउ मेनी डजन आर देयर इन 50 बनानास, 50/12, हाउ मेनी डजन आर देयर इन 96 बनानास, 96/12, सो एक मोल में जितने भी पार्टिकल थे उसे डिवाइड कर दिया है, गॉट इट, इज दैट ओके श्रुति, हर्षवर्धन, सेकेंड केस व्हेन वेट ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन, देखो हम CO2 की बात कर रहे थे, एक मिनट सुनना फिर कॉपी करना, CO2 की बात कर रहे थे, 44 ग्राम मींस 1 मोल, 88 ग्राम मींस 2 मोल, हमने 200 ग्राम लिया, 200/44, उसके 1 मोल का जो वेट है उसे डिवाइड कर दिया, 1 मोल हम व्हेनेवर मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स वो वेट होता है 1 मोल का, तो 1 मोल के वेट से डिवाइड किया, ऊपर वेट ले लिया इन ग्राम,
वेटिंग नाम अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स. कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो. Third case, when volume of gas is given at STP condition, third formula is valid only for gases. STP condition means standard temperature pressure when temperature is 0 degree Celsius or 273 Kelvin, exactly 273.15 Kelvin of that. Cheap of my approximation. Pressure is 1 atm. Now the question is, ye pressure 1 atm kya hota hai, kya nahi hota hai? We have one complete chapter, gases state. Wahan pe details mein dekhiye. Number of moles, volume of the gas in liter upon 22.4. Milliliter mein loge, milliliter matlab 1000 ka multiply kiya. Niche bhi 1000 ka multiply karo. 22,400. Acha. Tum dekhoge denominator mein hum kya rakha hai. Sabse pehle humne rakha tha denominator mein Avogadro's number. Number of particle in 1 mole. Phir rakha molar mass. Mass of 1 mole. So definitely yahan pe 22.4 rakha hai. That should be the volume of 1 mole of the gas at STP condition. ये मोलार वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम होता है. मान लो 22.4 लीटर है एक मोल, 44.8 लीटर है तो टू मोल हो जाएंगे, इसे डिवाइड कर दिया. क्या समझ में आ रहा है इतना? यस सर. हाँ बोलो सर. व्हाई वी टेक 22.4 ओनली? लिखता हूँ, चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, क्यों हमने लिया है. कॉपी कर लिया था ऊपर वाला केस. Yes, sir. Volume of 1 mole of gas at STP condition is this. 1 mole, किसी भी gas का volume इतना होता है, 22.4 liter, 22,400 ml. तो एक मोल का जो वॉल्यूम उसे डिवाइड करेंगे यूनिटरी मेथड. वन मोल है 22.4 लीटर, 44.8 लीटर में कितने मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय 22.4, 67.2 लीटर में कितने मोल्स होंगे 67.2 बाय 22.4, 3 मोल्स. आया समझ में? समझ में आया नहीं आया अभी?
यस सर। चलो कॉपी करो, अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके हम। एक बेसिक सा क्वेश्चन देता हूं जिसमें तुम्हें जस्ट एक रफ आइडिया हो, ये लगेगा हाउ टू यूज दिस थ्री डिफरेंट फॉर्म। तब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। कर्दू लोग कॉपी किया है, राश्री, ईशा, गायत्री। यस सर। यस सर। Calculate number of moles in all these following cases, four cases. इन फर्स्ट केस वेट इज गिवन, तो चेक करो क्या कोई मोल्स का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें वेट को रिलेट करना है। सेकंड केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन, जो वी हैव एनी फॉर्मूला इन विच वी नीड टू रिलेट पार्टिकल्स विद द नंबर ऑफ मोल्स। थर्ड केस वॉल्यूम इज गिवन एट एसटीटी, तो चेक करो मतलब देखो कि क्या इंफॉर्मेशन है और कौन सा फॉर्मूला यूज हो। एंड इफ यू गेट आंसर ऑफ ऑल द फोर पार्ट्स यू कैन टाइप इन चेक बॉक्स, बट चारों के एक साथ आंसर टाइप करो, एक एक नहीं करना है। ओम आंसर आया? हाँ सर।
टाइप करो चेक बॉक्स में. हाँ सर. वरद कुछ आंसर गलत है तुम्हारे. वरद अनुष्का ओम तुम तीनों का फोर्थ आंसर गलत है. सर अभी मैंने फिर से एक भेजा है आंसर आपको. ओम ने. हाँ सर. फोर्थ का स्टिल गलत है. फोर्थ का आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया है अब तक. और मैं जब तुम्हें बताऊंगा तुम्हें लगेगा ओ हमने इतनी छोटी सी मिस्टेक कर दी, इतनी सिली मिस्टेक कर दी. मतलब वो एक्चुअली वो मिस्टेक ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में जो हम काफी स्टार्टिंग में रहते हैं वो कर सकते. तो एक कॉमन सा सिली मिस्टेक है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं. ईशा का सही आंसर आया है फोर्थ का. पहला आंसर फोर्थ का जिसने सही दिया वो ईशा है. गुड ईशा. बट ईशा तुम्हारा सेकंड आंसर गलत दिख रहा है. अनुष्का नॉट करेक्ट. चलो क्या यहां पे ग्राम मॉलिक्यूल साथ में लिखा हुआ है. डू दे डज इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल 28 ग्राम मॉलिक्यूल. ग्राम मॉलिक्यूल व्हेनेवर रिटन टुगेदर इट मींस इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. फोर्थ आंसर होगा 28 मोल्स ऑफ N2. तुम्हें इनडायरेक्टली मोल्स ही दे रखे हैं, कैलकुलेट ही नहीं करना है कुछ. चलो तो पहले इसका आंसर तो 28 हो गया हमारा. मैं पहले का बताता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलर वेट 36 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 6 इंटू 12 72 प्लस 12 इंटू 1 84 प्लस 6 इंटू 16 96 180 आता है कैलकुलेशन पर 0.2 मोल. बी पार्ट नंबर ऑफ मोल्स n upon Avogadro's number 3.01 upon 6.02 is 1/2. 24, 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 बच जाएगा 10/2 5 मोल्स. क्या इतना क्लियर है स्वानंदी सेकंड का? Yes, sir. काफी बच्चों ने से 5.5 लिखा था, 5 की जगह 0.5 लिखा था, तो ये 10 टू द पावर कंसीडर नहीं किया था.
किसी को ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन नहीं समझ में आया तो अभी क्लियर कर दो, पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर दूं। तनेश, वरद, विशाखा, इज इट ओके? यस सर। और इसका होगा नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम अपॉन 22.4, 5.6 बाय 22.4, 0.25 मोल, ये होगा सी के इसका। क्लियर है इतना अभी? चले हम आगे। यस सर। ये बेसिक क्वेश्चन था जिसमें बेसिक फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो था। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। Calculate the following in 190 gram of phosphate ion, number of moles, then number of ions, protons, number of electrons, number of neutrons. You can report answer in terms of Na. कहीं पे तुम्हें Avogadro's number का multiply करना पड़े तो option answer को Na के terms में छोड़ दो। Exact value की requirement मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ कैसे solve करना है वो approach देखना है। मैं तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन वापस से देता हूँ। तो पहले दी गई है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर 16। इसका मतलब है एक फॉस्फोरस एटम में 15 इलेक्ट्रॉन से, 15 प्रोटॉन से और 16 न्यूट्रॉन्स। ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो 15 प्रोटॉन्स, 16 न्यूट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, 8 प्लस 8। दिस इज पी प्लस एन and this one is proton, clear? तो इसका use आएगा तुम्हें। क्या हमने atomic terms define किया था last class में? Atomic number, mass number, number of protons, electrons। हर्षवर्धन, यशवानी किया था? Yes sir। Thank you.
अंकुर समझ में आ रहा है? यस सर। इट इज आकाशदीप और अक्षदीप, क्या नाम है सर? आकाशदीप। आकाशदीप आंसर आया आकाशदीप फर्स्ट पार्ट का? यस सर। क्या आया? टू मोल्स। गुड। सेकंड पार्ट का? फोर आयंस। नहीं, फोर आयंस तो नहीं आएंगे। चलो फर्स्ट टू पार्ट बताता हूं मैं, देखो। मॉलिकुलर मास 31 प्लस 16 इंटू 4, 16 फोर 64 प्लस 31 95 इज द मॉलिकुलर मास, 2 मोल आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर। नंबर ऑफ आयंस, क्या हमारे पास एक फॉर्मूला ये है? नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये कोई फॉर्मूला है हमारे पास? Can write number of particle as number of moles into Avogadro's number. Number of moles first case में आ रहे हैं 2, तो number of ions कितने होंगे? 2 Na, which is very very large number. पता है एक मोल में 6.0 to 10 to the power 23 ions होते हैं। 2 moles के लिए 12.04 into 10 to the power 23 ions. Number of ions will be very very large in comparison to number of moles. तो टू टाइम्स ऑफ एन ए, क्या सेकंड पार्ट हमें इतना समझ में आता है? अभी टू एन ए कैलकुलेट भी कर सकते हो एग्जैक्ट, पर ठीक है, एन ए के टर्म्स में छोड़ा है। चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, किसी को डाउट है क्लियर करो, देन आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट थ्री पार्ट, क्योंकि सेकंड आएगा तभी ये तीनों आएंगे। यदि सेकंड गलत आ गया तो नेक्स्ट थ्री तो डेफिनेटली गलत होना ही है। श्रुति तो समझ में आ रहा है? यस सर। I am waiting for 3, 4 and 5th, 3rd, 4th and 5th part. Answer check box में report करो. जो बच्चों ने पहले answer report किया था वो गलत था. ओम समझ में आया क्या गलती की थी second part में? हाँ sir. Thank you.
सर वो 94 आएगा ना, 94 एन ए 47 इंटू 2 आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी एवरीथिंग, फिर मैं उसे एक्सप्लेन भी करता हूँ. चलो, ऐसे कितने बच्चे जिनको तीनों के कॉपी करने के बाद समझ में आ गए कि क्या हुआ है, रेज योर हैंड. Then actually I got first number of protons and neutrons right, but for electrons I went wrong in that plus 3. ठीक है, कुछ 4, 5, 6 स्टूडेंट को आ गए ना, तो कुछ को नहीं आया. सुन लो, we are doing first question of this type, so definitely I'm expecting कि काफी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप तब अच्छे से सुनना ताकि नेक्स्ट टाइम हम से ऐसे क्वेश्चन बने. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय डेफिनेशन, मैं बात करता हूं एक रूम में, लेट से हमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स. हर बच्चे के पास तीन तीन नोटबुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स इन अ क्लासरूम, 3 नोटबुक पर स्टूडेंट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट है लेट्स से क्लासरूम में, 50 इंटू 3 150 हो गए. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन आयन इंटू नंबर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे. Number of electrons in one ion into total number of ions. Number of neutrons in one ion into total number of ions. So basic definition use kiye. Ab number of ions tino case mein already we had done calculation for it. That is 2 times of n. So 2n ye to hame pata hi hai. Ab hame kya nahi pata hai ki ek ion mein kitne proton hai, kitne electron hai, kitne neutron hai. Hum baat karte hain phosphate ki. Phosphorus mein 15 protons होते हैं, इसका atomic number 15 protons. Oxygen has 8 number of protons, 4 oxygen, 8 fours are कर दिया 32. ये extra electron है, तो electron तो proton में count होंगे नहीं. क्या third case अभी clear है सभी को? Siddhesh, is that okay? Shruti, Swanandi, Tanish? Yes sir. अब हम बात करते हैं इस केस की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन. सो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, यदि एक्स्ट्रा 3 नहीं ना था, तो एक्स्ट्रा 3 आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 3 मोर इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन. इसलिए तो -3 चार्ज, प्लस होता तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, माइनस तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो जिसने प्रोटॉन थे प्लस 3 कर दिया. इज दैट ओके? यस सर. Here we took that minus 3, we took it as whole, means we added 3 electrons to the number of electrons in PO4. So the whole compound is exchanging 3 electrons. Yes, the whole compound has 3 extra electrons. See, this 3 represents extra negative charge of 3 electrons. It has
एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज फॉर पी इलेक्ट्रॉन्स. अगेन क्या इफ वी राइट लेट्स इफ वी आर राइटिंग H3PO4 क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या? वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन H3PO4 आल्सो बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे विल कैंसिल आउट वो दी माइनस प्लस कैंसिल हो रहे तो नेट चार्ज इज जीरो. इट हैज नेट चार्ज माइनस पी मींस पी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट व्हाटएवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रोटॉन्स प्लस 3. इज दैट ओके? So that PO4 here we see it will be that whole 2 moles of PO4 is accepting 3 electrons. देखो ऐसा नहीं है होल 2 मोल्स विल हैव 3 एक्स्ट्रा चार्ज ऐसा नहीं है ना. व्हेनेवर वी राइट लेट्स आई एम राइटिंग सल्फाइड आयन मींस वन सल्फर एटम हैज माइनस 2 चार्ज. Whenever I am writing carbonate ion, one carbonate ion has minus 2 charge. That does not mean if I am saying 2 mole of carbonate, 2 mole carbonate pe minus 2, 1 carbonate ion pe minus 2, right? Ye puri ek entity hai. Now we are saying 2 moles of this. Is it okay? Yes, sir. Thank you, sir. Ab aate hain number of neutrons par. Number of neutrons, phosphorus, 15 protons, 16 neutrons, 16 neutrons are there. Oxygen, 8 protons, 8 neutrons, 8 into 4 oxygen. Negative charge neutrons ko koi lena dena nahi hai. So total number of neutrons per ion into number of ions. Kya abhi clear hai ye? Is that okay? किसी को कुछ डाउट तो क्लियर करो. एक्सक्यूज मी सर. यस अनुष्का. सर इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन वी विल ऐड इट इन प्रोटॉन्स ना. चलो एक क्वेश्चन में दो वैसा फिर पॉजिटिव चार्ज का फाइन. नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मतलब वही पांचों चीजें जो लास्ट केस में की थी इन 9 ग्राम ऑफ NH4+ आयन. पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं दे ऑलवेज स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर शेल्स इन द शेल व्हिच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस. व्हेनेवर वी प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज मींस वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स. व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग नेगेटिव चार्ज मींस वी आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. We cannot remove, we cannot add protons in the nucleus. हम nucleus को disturb नहीं करते हैं generally reactions में, chemical reactions में. Yes, nucleus can be disturbed only in nuclear reactions. तो एक अलग ही पूरी study होती है उसकी nuclear reactions. But generally ions बनाने में, chemical bond बनाने में इसमें nucleus को disturb नहीं किया जाता है. Is that okay? So positive charge is there due to removal of electron. नेगेटिव चार्ज इज देयर ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब प्रोटॉन्स में तुम कुछ भी चेंज नहीं करोगे, इलेक्ट्रॉन को या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, राइट? चलो सॉल्व करो जल्दी से. इसका आंसर अब सबसे बनना चाहिए. सिमिलर क्वेश्चन है जैसा लास्ट था. एनायन की जगह केटायन दिया गया है. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बता देता हूं मैं, 7 एटॉमिक नंबर, 14 एटॉमिक मास. हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर, 1 एटॉमिक मास.
हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन. Yes, Om. Do you want to ask something? No, sir. No, I want to answer. क्या आंसर है बताओ चलो. सर नंबर ऑफ मोल्स 5.5 मोल्स है. नंबर ऑफ एक एक मिनट 5.5 और 0.5. सर 5.5. 5.5 कैसा आया? गलत है. 5.5. नो सर 0.5. 0.5 होने चाहिए. चेक करो. सर वो 9 grams है क्या? हाँ तुम्हें क्या लगा? 99 grams. 9 gm. हाँ सॉरी सर. NH4+ नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 4 हाइड्रोजन 4 × 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है. इलेक्ट्रॉन में हमेशा प्लस माइनस होता है, पिछली बार प्लस था 3, दिस टाइम वी नीड टू सब्सट्रैक्ट 1 बिकॉज़ ऑफ प्लस 1 चार्ज इनटू 0.5 नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आयन इनटू नंबर ऑफ आयंस.
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर आयन इनटू नंबर ऑफ आयन. प्रोटॉन्स कितने, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 4 इनटू 1 प्लस चार्ज के कारण कोई प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में चेंज नहीं होगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन विल नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन दैट्स इट, मास 1 चार्ज 1 एटॉमिक नंबर 1. तो इसमें यहां पे 0 आएगा इनटू 0.5 है. प्लीज चेक दिस 4 केसेस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ. चेक करो, किसी को कुछ डाउट क्लियर करो. अभी इज देयर एनी डाउट? सिद्धेश, करण, करीना, अर्चिता, ईशा, क्लियर है सभी को? यस सर. चलो मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं. आई विल पोस्ट होमवर्क ऑन द ग्रुप. और जिन बच्चों ने कुछ लेक्चर मिस किए थे मैं भी अपने लेक्चर शेयर कर दूंगा, तो रिस्पेक्टिव टीचर को मैसेज कर दो, वो भी लेक्चर शेयर कर देंगे. राइट सर, ये वाला लेक्चर मिस हुआ. ठीक है.